शादी के पहले मां प्रति रविवार को, दोनों अलग रहते थे, मां प्रति रविवार को एक टिफिन में कढ़ी बना करके लाती थी और घंटी दरवाजे की बजती थी तो बेटा समझ लेता था कि माँ आई है, दरवाजा खोल करके और टिफिन छीन करके और माँ का हाथ पकड़ करके अंदर ले जाता था और टेबल पर बैठ कर चावल और कढ़ी खाते थे। बेटे की शादी हो गई, हमेशा की तरह माँ कढ़ी ले आई, दरवाजा खोला लड़के ने नहीं, दरवाजा खोला उसकी पत्नी ने। माँ को अंदर आने को नहीं कहा, वो समझ तो गई कि इस टिफिन में कढ़ी है और कहती मम्मी मम्मी वी हैव बीन टू मैकडोनल्ड जस्ट नाउ, कि हम तो मैकडोनल्ड में खाना खा के आए। मम्मी एक कदम पीछे हटी, बेटा सामने कुर्सी पर बैठा देख रहा है, उसने ये नहीं कहा कि मम्मी सामने आओ आओ अंदर आओ, वो चली गई। जाने के बाद जब उस माँ ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, चाबी लगाने की कोशिश की, तो वो इतनी भावुक हो गई और इतना परेशान हो गई कि चाबी उसके फ्लैट में नहीं लगे। तो बगल के फ्लैट में जब कुछ खुटखुट की आवाज हुई तो उसमें निग्रो महिला एक रहती थी और एक उसका बेटा रहता था, उसने अपना दरवाजा खोला कि देखा क्या बात है, तो उसने कहा बेटे ने कहा आंटी आर यू वेल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा मम्मी आइए हमारे, आंटी आइए हमारे साथ, व्हाट इज इन दिस टिफिन, तो उसने मम्मी ने कहा कढ़ी, हाउ डू यू ईट इट, उसने कहा विद राइस, ओ आंटी कम ऑन आई विल टेक इट विद राइस, और वो निग्रो महिला का बेटा उसको माँ को लेकर के अंदर गया अपने घर में और कढ़ी के साथ उसने चावल निकाला और उस बेटे ने और उस निग्रो महिला ने तीनों ने मिलकर के कढ़ी खाई। यह दिव्या माथुर जी की उस कविता का सारांश था कि हिलरी क्लिंटन तो क्लिंटन को भी मार देती थी, पिटाई कर देती थी। अब मालूम नहीं अगर वो माँ को बुला लेता उस दिन तो उसकी पत्नी जो है विदेश में है, विदेशी संस्कृति में क्या करती पता नहीं था, लेकिन उसी समय मुझे मंच पर एक भाव आया और ये मंच पर ही कविता यथावत जो मैंने लिखी वो मैंने अपने पुस्तक में प्रकाशित की। मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूँ, उसका भाव दूसरा है लेकिन शायद कहीं मन में छू जाए उन लोगों की कथा और व्यथा जो विदेश में रहते हैं और अपने देश से लगाव है भी और फिर भी नहीं लगाव रख पाते। ये कविता है इस पुस्तक में पेज 333 पर। बहुत से प्रश्न उपजे हैं मन में, मैं खोया हूं भीड़ में जहां सब हैं अपने, रक्त संबंध अभी भी वही, माँ और बेटे का रिश्ता अभी भी, रक्त संबंध अभी भी वही, फिर आंखों से अविरल धार क्यों बही। मैं भटका हूं पराई संस्कृति के चाव से, दूर आकर अपने ही गांव से, ताल तलैया गढ़ी पोखरों का मैं, ताल तलैया गढ़ी पोखरों का मैं, शायद नहीं हूं मैं वही मैं, शायद नहीं हूं मैं वही मैं। अब बदला परिवेश, बदला है मन, नए नए शौक पर थिरकता है तन, अभी भी बनती है सिवई खीर पकौड़ी, पर कहाँ है वो हाथ जो बनाते थे कभी, पर कहाँ है वो हाथ जो बनाते थे कभी। पोछते थे आंचल से आंखें मेरी गीली और वह सुर जो सुनाते थे लोरी सुरीली, इस चकाचौंध में भूले हैं रिश्ते, इस चकाचौंध में भूले हैं रिश्ते, दिए हैं घाव जो अभी भी रिश्ते, इसलिए मैं अंधेरे में भी कभी नहीं सोता हूँ, इसलिए मैं अंधेरे में भी कभी नहीं सोता हूँ, माँ की तलाश में दिन रात खोता हूँ, चमकीले पर्दे के पीछे धुंधला आभास है, मन कहता वह मेरे ही पास है, फिर भी लगता है वह कहीं दूर है, खड़ी लिए भरा कटोरा
अपने हाथों बनाई करी, लिए भरा कटोरा अपने हाथों बनाई करी। मेरी नई सोच खाती है मिट्टी की सुगंध, मेरी नई सोच खाती है मिट्टी की सुगंध। घर का अपनापन, अपने सारे संबंध, मैं परिस्थितियों के कारागार में अकेला खड़ा हूँ, सांस लेते हुए भी पत्थर सा पड़ा हूँ, सांस लेते हुए भी पत्थर सा। तो यह रचना पारदर्शी है। मैंने नहीं देखा कि मानवता पारदर्शी है, संवेदना को मार यहाँ दुनिया प्रियदर्शी है, संवेदना को मार यहाँ दुनिया प्रियदर्शी है। नींव के पत्थर इमारतों का बोझ सहते हैं, स्वर उनकी कराहों के कभी नहीं उभरते हैं, स्वर उनकी कराहों के कभी नहीं उभरते हैं। यहाँ अपनी ही डुबकी अपने से पीते हैं, यहाँ अपनी ही डुबकी अपने से पीते हैं, अपनी ही काया अपने से घसीते हैं। और देखें जरा सा, स्वार्थ के बटखरे नहीं करते लाशों का मूल्यांकन। अच्छा से अच्छा आदमी हो चला जाता है संसार से तो फिर कोई, और जब स्वार्थ होता है तो फिर स्वार्थ के बटखरे नहीं करते लाशों का मूल्यांकन। और पसंग की तराजू करती जीवन का अवमूल्यन। तो मुझे जीना भी है, मुझे जीना भी है, मुझे मरना भी, मुझे चलना भी है, मुझे थमना भी। मैं वह इंसान हूँ जो रोज मर जाता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो रोज मर जाता हूँ, और शमशान पर जाकर रोज जी जाता हूँ, फिर बार बार गुनगुनाता हूँ कि कर्मण्ये वाद का रस्ते माँ भले सुखता सन, कर्मण्ये वाद का रस्ते माँ भले। बादलों की बेटी, बादलों की बेटी वर्षा के झूले पर धरती पर आई, बादलों की बेटी वर्षा के झूले पर धरती पर आई, कच्ची माटी के आंगन में पोर पोर समाई। कच्ची मिट्टी पर जब वर्षा की बूंद पड़ती है तो फिर उछलती नहीं, फिर वहीं चली जाती है। कच्ची माटी के आंगन में पोर पोर समाई, पर बदले रूप में बड़ी ही इथलाई, जब पकी ईंटों पर आई तो वही बूंद 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 छितराई, जब पकी ईंटों पर आई तो वही बूंद 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 छितराई। ममता भी कभी रूप बदलती है, ममता भी कभी रूप बदलती है, कभी शालीन कभी उन्मुक्त होती है, उसकी गाथा उसके मिलन पर उसकी अनुभूति होती है, उसकी गाथा उसके मिलन पर उसकी अनुभूति होती है। माटी की दीवार पर टपकता हुआ छप्पर हमारे लिए, बहुत लोगों के लिए 10-20 कमरों वाला मकान भी छोटा है, और किसी झोपड़ी के लिए एक कमरा जिसमें वही डाइनिंग है, वही ड्रेसिंग है, वही बेडरूम है, सब कुछ है, वही बहुत है। कुछ इस प्रकार का चित्र मैंने खींचने की कोशिश की है। माटी की दीवार पर टपकता हुआ छप्पर, इसे महल कहें या मड़ैया या स्थिति का अंतर, इसे महल कहें या मड़ैया या स्थिति का अंतर। सांचे में ढली पकी माटी, सांचे में ढली पकी माटी महलों और अटारियों में जब चुन जाती है तो उसकी सुगंध खो जाती है। संदेश कहीं है इसमें, कच्ची माटी का मकान, वर्षा की बूंद आई दीवार पर टपकता हुआ छप्पर, इसे महल कहें या मड़ैया या स्थिति का अंतर। सांचे में ढली पकी माटी महलों और अटारियों में जब चुन जाती है उसकी सुगंध खो जाती है। मिट्टी की मिठास, मधुर संबंधों की प्यास, आधुनिक परिवेश में बस हेलो बन जाती है, जहाँ रिश्ते तो बनते हैं पर अपनापन पराया है, जहाँ रिश्ते तो बनते हैं पर अपनापन पराया है।